कल हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि कोलोगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और कितने टाइप्स की होती हैं उसमें बस एक छोटी सी एरर हुई है कि जहाँ पर मैंने तुम लोगों को चार कोलोगेटिव प्रॉपर्टीज़ के नाम लिखवाए थे ना उसमें पहली वाली कोलोगेटिव प्रॉपर्टीज़ में मैंने सिर्फ लोअरिंग लिख दिया उसके आगे एक वर्ड था रिलेटिव वो रिलेटिव वर्ड एक्चुअली मैं, मैं खा गई हूँ तो उसको तुम लोग वहाँ पे लिख देना ठीक है वो रिलेटिव वर्ड लिखा होना ज़रूरी है अगर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सिर्फ इतना लिखा है तो वो एक कोलोगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है अगर उसके आगे रिलेटिव वर्ड लिखा है तो वो एक कोलोगेटिव प्रॉपर्टी है ठीक है ध्यान रखोगे इस चीज़ को वहाँ पे करेक्शन कर लेना खैर तो आज हम लोग हमारी पहली कोलोगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं दैट फर्स्ट कोलोगेटिव प्रॉपर्टी दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज़ आर एल वी पी ठीक है जिसको अगर मैं फुल फॉर्म में लिखूं तो ये किस बला का नाम है दिस इज़ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अब वेपर प्रेशर को मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ उसको मैं शॉर्ट में वीपी लिख रही हूँ समझ जाना तो ये तुम लोगों की पहली कोलोगेटिव प्रॉपर्टी है जो आज हम लोग पढ़ेंगे ये जो पर्टिकुलर कोलोगेटिव प्रॉपर्टी है इसके साथ जब हम लोग शुरुआत करेंगे तो इतने प्यारे प्यारे छोटे मोटे डेरीवेशनस हम लोगों को देखने को मिलेंगे ये इतने प्यारे प्यारे छोटे मोटे डेरीवेशनस हैं कि बोर्ड्स के पेपर में ऑलमोस्ट ये आते ही रहते हैं क्योंकि इसके बाद जैसे आप लोगों का डिप्रेशन या एलिवेशन वाला जो टॉपिक है उसमें कितने खास डेरिवेशन है नहीं एक इक्वेशन और उसी इक्वेशन को कन्वर्ट कर देना इन टर्म ऑफ सम फॉर्मूलाज बट इसमें है तो चलो शुरू करते हैं पहली कोलोगेटिव प्रॉपर्टीज़ के साथ दैट इज़ आर एल वी पी तो जब आप ये आर एल वी पी वाला कोलोगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हो तो सबसे पहले तो आपको ये एक टॉपिक पता होना चाहिए कि वॉट इज़ वेपर प्रेशर जो कि आई थिंक मैंने सबसे पहले दिन ही वही पढ़ाया था कि वेपर प्रेशर क्या होता है है ना कि कंटेनर के अंदर एक लिक्विड रखा है लिक्विड इवेपोरेट होगा कुछ देर बाद इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगी उस लिक्विड और उसके वेपर्स के बीच में तो उस वक्त जो प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा उसको बेसिकली हम लोग क्या कहेंगे आप लोगों का वेपर प्रेशर कहेंगे याद आ रहा है हाँ तो वेपर प्रेशर क्या होता है ये तो हम लोग जानते हैं खैर अब हम लोगों को इस पर्टिकुलर टॉपिक को छोटे 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 पार्ट्स में स्टडी करना है जैसे अब सबसे पहला सब टॉपिक जो तुम्हें अभी सीखने की नीड है वो ये कि वेपर प्रेशर का मतलब पता है हमको लेकिन यहाँ पर ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वाला कंसेप्ट क्यों आया या फिर इसका मतलब क्या है रिलेटिव वर्ड में अभी लगाने की हूँ ठीक है अभी मैं रिलेटिव वर्ड लगाने की हूँ अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या सीख रहे हैं आप लोगों का लोअरिंग का मतलब क्या होता है वेपर प्रेशर का इसका मीनिंग हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं चलो तो देखो इसको समझने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं और थोड़े से कॉमन सेंस के साथ काम करते हैं मान के चलिए आप लोगों के पास एक कंटेनर है क्लोज कंटेनर क्योंकि वेपर प्रेशर वाला जो कंसेप्ट है ये वैलिड ही तभी होता है जब हम लोगों के कंटेनर कैसे हो बोलो क्लोज्ड अगर कंटेनर क्लोज नहीं होगा तो वेपर प्रेशर का कोई कंसेप्ट अप्लाई भी नहीं होगा मान के चलिए ये मेरे पास एक क्लोज कंटेनर है इस क्लोज कंटेनर के अंदर मैंने एक लिक्विड भर के रखा है वो लिक्विड यानी कि मैं बात कर रही हूँ किसकी सॉल्वेंट की, की. किसकी बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे सॉल्वेंट की ठीक है अब ये सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है ये पानी भी हो सकता है अल्कोहल भी हो सकता है एनी ठीक है ये कुछ भी मतलब कुछ भी कुछ भी इट कैन बी एनी तो ऐसा नहीं है कि हमेशा पानी ही मानकर चलोगे कि नहीं पानी के अलावा तो कुछ और हो नहीं सकता ना करके ये एक सॉल्वेंट है और इस सॉल्वेंट के अंदर थोड़ी सी भी मिलावट नहीं है मिलावट का मतलब प्लीज़ ऐसा मत समझना कचड़ा कूड़ा इम्प्यूरिटी ठीक है इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर कोई दूसरा केमिकल मौजूद नहीं है ये प्योर है हंड्रेड परसेंट शुद्ध ठीक है जैसे पतंजलि का गुलाब जल आता है ना हंड्रेड परसेंट शुद्ध वैसा वाला है कोई दूसरी चीज इसमें मौजूद नहीं है तो ये कैसा है हम लोगों का प्योर सॉल्वेंट है अच्छा अब ऐसे में तुम तो जानते ही हो कि सॉल्वेंट जो टर्म होता है उसको पूरे चैप्टर भर में ठीक है इन एंटायर चैप्टर हम लोग बी सिंबल से इंडिकेट करेंगे जो कि मैं राउट्स लॉ के दौरान भी करवाई हूँ और जो सॉल्यूट वाला वर्ड है उसको हम लोग ए सिंबल से इंडिकेट करेंगे कई टेक्स्ट बुक में वन और टू से होता है बट तो मैं ए और बी में कंफर्टेबल हूँ मुझे ए और बी अच्छा लगता है लिखने में तो मैं उसी में लिखूँगी ठीक है अब ऐसे केस में ये जो आपके पास प्योर सॉल्वेंट है धीरे धीरे इस प्योर सॉल्वेंट के जो लिक्विड है उसके वेपर्स बनेंगे है ना क्लोज कंटेनर है वेपर ऊपर ही रहेंगे अच्छा फिर कुछ वेपर्स वापस से कंडेंस भी होंगे तो यानी कि बेसिकली एक इक्विलिब्रियम भी स्टैब्लिश हो जाएगा लिक्विड के बीच में और आप लोगों के वेपर फेज के बीच में और उस वक्त जो प्रेशर एक्जर्ट हो रहा होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं वेपर प्रेशर बराबर ओके okay. इससे पहले भी हम ये बातचीत कर चुके हैं कि प्योर सॉल्वेंट का जब आप वेपर प्रेशर कैलकुलेट करते हो जब आप प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या करते हो कैलकुलेट करते हो तो उसको किस सिंबल से इंडिकेट करना मैंने बताया है पी नॉट और क्योंकि सॉल्वेंट को हम लोग हमारी पढ़ाई में बी वर्ड से इंडिकेट करने वाले हैं तो इसलिए है मैंने यहाँ लिख दिया पी नॉट बी है ना वेपर प्रेशर अगर आपको कैलकुलेट करना है बराबर वेपर प्रेशर अगर आपको कैलकुलेट करना है उसके प्योर का एकदम जब वो प्योर फॉर्म में है तब आप उसे कहोगे पी नॉट ऑफ बी ठीक है अच्छा अब तुम सोचो कि इमेजिन करो जस्ट कि मैंने क्या किया एक दूसरा कंटेनर ले लिया ठीक है उस दूसरे कंटेनर में सॉल्वेंट तो डाला बट सॉल्वेंट के अलावा अब मैंने वहाँ पे सॉल्यूट को भी ऐड कर दिया अब जिस सॉल्यूट को मैं ऐड कर रही हूँ वो इतना बदतमीज सॉल्यूट है कि उसका नेचर कैसा है वो एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है ठीक है वो कैसा सॉल्यूट है एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है और जो सॉल्वेंट है वो वोलेटाइल है व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म वोलेटाइल एंड व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म नॉन वोलेटाइल वोलेटाइल का मतलब जिसके वेपर्स क्रिएट होते हैं ठीक है और नॉन वोलेटाइल का मतलब जिसके वेपर्स क्रिएट नहीं होते है ना कैन नॉट क्रिएट वेपर्स या डू नॉट क्रिएट जो भी तुमको ठीक लगे वो लिख लेना है ना जिसके वेपर्स ही नहीं बनते जो वेपराइज ही नहीं होता वैसे तो हर चीज़ थोड़ी थोड़ी वोलेटाइल होती है बट हम लोग फिर भी उस सब्सटेंस की बात कर रहे हैं जो बहुत कम वोलेटाइल है जिसको हम लोग ये कह सकें भैया तो नॉन तो वॉलेटाइल ही है ठीक है तो जो वेपर्स क्रिएट नहीं करते तो मैंने क्या किया मेरे पास पहले एक सॉल्वेंट था प्योर फॉर्म में पहले वो वे वो तो ऑब्वियसली वॉलेटाइल था तो उसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होता था उस वेपर प्रेशर को हम लोग पी नॉट बी नामक सिम्बल्स इंडिकेट करते थे फिर हमने उसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में मिलावट कर दी मैंने उसमें क्या कर दिया सॉल्यूट को मिक्स कर दिया अब देखो होगा क्या अगर मैं सॉल्यूट को मिक्स करूंगी तो सोचो जो आप लोगों का कंटेनर की जो टॉप सरफेस है जहां से बेसिकली वेपराइजेशन इवेपोरेशन होने वाला था उसकी टॉप सरफेस की कुछ कुछ जगह अब कौन से पार्टिकल्स आपको दिखने लगेंगे अब आपको कौन से पार्टिकल्स दिखने लगेंगे कुछ कुछ जगह अब आपको कौन से पार्टिकल्स दिखने लगेंगे सॉल्यूट के पार्टिकल्स दिखने लगेंगे और कुछ कुछ जगह आपको कौन से पार्टिकल्स दिखेंगे कुछ कुछ जगह आपको कौन से पार्टिकल्स दिखेंगे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स दिखेंगे मतलब सीन अब ये है कि वो जो सरफेस है ठीक है ये जो सरफेस है इस पर्टिकुलर सरफेस पर अब आपको दोनों पार्टिकल्स दिख रहे हैं एक पार्टिकल दिख रहा है सॉल्यूट का और दूसरे पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं बोलो किसके सॉल्वेंट के है।, है ना दूसरे पार्टिकल्स आपको कहाँ के दिख रहे हैं सॉल्वेंट के दिख रहे हैं तो ऐसे में ये तो तुम जानते हो कि सॉल्यूट वेपराइज नहीं होगा बराबर सॉल्यूट जो है आप लोगों का वेपराइज नहीं होगा अब अगर कोई चीज वेपराइज ही नहीं होगी खुद सोचो कॉमन सेंस लगाओ अगर कोई चीज वेपराइज ही नहीं होगी तो वो प्रेशर कैसे क्रिएट करेगी बराबर क्योंकि प्रेशर क्रिएट करने के लिए क्या जरूरी होता है वेपर्स का बनना है ना प्रेशर तो वेपर्स ही क्रिएट करेंगे तो अगर कोई चीज़ वेपराइज ही नहीं होगी तो उसके द्वारा प्रेशर कैसे क्रिएट होगा उसके द्वारा प्रेशर ही क्रिएट नहीं होगा अच्छा चलो ठीक है अगर ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स क्योंकि नॉन वॉलेटाइल हैं ये वेपराइज नहीं हो सकते तो ये लोग वेपराइज नहीं हो सकते तो ये लोग क्या नहीं क्रिएट कर सकते ये लोग प्रेशर भी वेपर प्रेशर भी क्रिएट नहीं कर सकते कैन नॉट क्रिएट वेपर प्रेशर है ना इनकी वजह से कभी भी कोई भी वेपर प्रेशर बनने वाला नहीं है अच्छा सॉल्वेंट की वजह से बनेगा हाँ सॉल्वेंट तो वेपराइज़ होता है क्योंकि वो वोलेटाइल है है ना सॉल्वेंट तो हम लोगों का वेपराइज़ होता है क्योंकि वो वोलेटाइल है तो ऐसे केस में इसकी वजह से तो वेपर प्रेशर बनेगा पहले भी बन रहा था जब वो प्योर फॉर्म में था और अभी भी बनेगा जब वो प्योर फॉर्म में नहीं है ठीक है और अभी भी बनेगा जब वो प्योर फॉर्म में नहीं है वो हमेशा क्या करेगा वेपर्स क्रिएट करेगा वो हमेशा क्या करेगा वेपर्स क्रिएट करेगा वो हमेशा वेपर्स क्रिएट करेगा बट दिक्कत ये है कि पहले जब सॉल्यूट नहीं था तो ऊपर की जो ये सरफेस थी ठीक है ये जो टॉप सरफेस थी जहाँ से इवेपोरेशन हो रहा था उस सरफेस पे पहले सिर्फ और सिर्फ कितने आ, किसके पार्टिकल्स थे वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स थे तो जो भी वेपर्स बन रहे थे वो सिर्फ़ और सिर्फ किसकी वजह से बन रहे थे सॉल्वेंट की वजह से बन रहे थे है ना जो भी वेपर्स बन रहे थे वो किसकी वजह से बन रहे थे सॉल्वेंट की वजह से बन रहे थे जो भी वेपर्स बन रहे थे किसकी वजह से बन रहे थे सॉल्वेंट की वजह से बन रहे थे लेकिन अब उसके सरफेस को कुछ सॉल्यूट के पार्टिकल्स ने कवर कर लिया मतलब अगर मैं ये कहूँ कि पहले इनिशियली मान के चलते हैं एक मिनट में इमेजिन करो ये जस्ट एक रैंडम नंबर है और कुछ नहीं एक मिनट में हंड्रेड हंड्रेड तो चलो खैर ज़्यादा हो गया टेन सॉल्वेंट पार्टिकल्स वेपराइज हो रहे थे क्यों हो रहे थे टेन सॉल्वेंट पार्टिकल्स सरफेस पे मौजूद थे जैसी उन लोगों को सफिशियंट एनर्जी मिलती टेन पार्टिकल्स उस आउट ऑफ जितने भी पार्टिकल्स सरफेस में थे उस सरफेस के उतने पार्टिकल्स में से मान लो दस के दस पार्टिकल्स क्या हो गए आपके उड़ गए और वो जैसे ही उड़ेंगे तो उनकी वजह से प्रेशर क्रिएट होगा बट अब अब तो ऊपर जगह ही कम है है ना अब तो क्या है जगह ही कम है नाउ अब बहुत सारी स्पेस किसने ऑक्यूपाई कर ली है बहुत सारी स्पेस किसने ऑक्यूपाई कर ली है नाउ स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय ग्रीन पार्टिकल्स स्पेस किसने ऑक्यूपाई कर ली है ग्रीन पार्टिकल्स ने ऑक्यूपाई कर ली है जो खुद तो ठीक है जो खुद तो वेपराइज हो नहीं रहे प्लस वहाँ पे जो क्वांटिटी है किसकी क्वांटिटी ब्लू वाले पार्टिकल्स की वो ब्लू वाले पार्टिकल्स की बोलो क्वांटिटी भी बोलो क्या हो गई डिक्रीज हो गई अगर ब्लू वाले पार्टिकल्स की क्वांटिटी डिक्रीज होगी तो देयरफॉर फोर उन वाले ब्लू पार्टिकल्स की वजह से जो वेपर प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा वो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा कम है ना वो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा क्योंकि पार्टिकल्स ही जब नहीं हो पा रहे वेपराइज ज़्यादा एक मिनट में तो उनके द्वारा क्रिएट होने वाला जो वेपर प्रेशर है वो भी बोलो क्या हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा खत्म कहानी ठीक है इतनी सी थी तो इससे साफ साफ समझ में आता है कि जब हम लोग सॉल्वेंट की बात करते हैं तो सॉल्वेंट के केस में जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्वेंट के केस में तो क्योंकि ज़्यादा पार्टिकल वेपराइज कर सकते हैं तो, तो क्योंकि ज़्यादा पार्टिकल वेपराइज कर सकते हैं तो इसीलिए उनके सॉल्वेंट वाले केस में वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है और अगर हम लोग सल्यूशन की बात करें तो सल्यूशन का वेपर प्रेशर बोलो क्या हो जाता है कम ये बात हमेशा याद रखना सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है और सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है उसके कंपेयर में कम यानी कि सॉल्यूट मिक्स करने की वजह से सॉल्यूट को मिक्स करने की वजह से सॉल्यूट को मिक्स करने की वजह से क्या हुआ सॉल्यूट को मिक्स करने की वजह से वेपर प्रेशर क्या हो गया आप लोगों का कम हो गया अच्छा कैसा सॉल्यूट मिक्स करने की वजह से नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करने की वजह से तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग कि ऑन एडिशन ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर आप लोगों के पास एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के ऐड करने की वजह से ठीक है जो प्रेशर होता है जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है ठीक है वो क्या हो जाता है डिक्रीज ठीक है वो क्या हो जाता है डिक्रीज ये मैंने ऊपर लिखा ना कि सॉल्वेंट का ज़्यादा होता है सोल्यूशन का कम होता है सोल्यूशन का मतलब ही क्या होता है यार सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मतलब सॉल्यूट के आने की वजह से और वो भी कौन सा वाला सॉल्यूट स्पेसिफिकली नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के आने की वजह से वेपर प्रेशर बोलो क्या हो जाता है कम हो जाता है तो ये जो वेपर प्रेशर जो कम हो गया इसी पर्टिकुलर कंसेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ठीक है इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जैसे इमेजिन करिए पहले आप जिस पेन को खरीदते थे मान लो थर्टी रुपीज़ का वो पेन आता था फॉर एग्जाम्पल वेन वी व्यर इन टेंथ स्टैंडर्ड तब उस वक्त ट्राइमैक्स जो पेन है आई थिंक रेनॉल्ड्स का या सेलो ब्रांड का है ट्रैमैक्स वो थर्टी रुपीज़ का आई थिंक आता था अब तो मुझे उसकी कॉस्ट नहीं पता बट हो गया होगा पचास रुपये तक का खैर मान लो अब उसकी कॉस्ट बढ़ने के बजाय आज की डेट में 2021 में मान लेते हैं घट गई अब वो पंद्रह रुपए का नहीं पंद्रह नहीं बीस रुपए का आता है तो अगर मैं तुमसे पूछूंगी कि प्राइस कितनी कम हुई लोअर कितनी हुई तो तुम क्या कहोगे हायर माइनस लोअर थर्टी माइनस ट्वेंटी यही कहोगे तो ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर या लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इसका फॉर्मूला क्या है इसका फॉर्मूला क्या होगा कि को पहले प्रेशर ज़्यादा प्रेशर कौन सा है ज़्यादा वाला प्रेशर कौन सा है सॉल्वेंट का और सॉल्वेंट के प्रेशर को हम लोग किस सिंबल से इंडिकेट करते हैं पी नॉट है ना पी नॉट सिंबल देते हैं क्योंकि सॉल्वेंट प्योर होता है माइनस सल्यूशन का तो सल्यूशन यानी कौन सा है पी एस तो पी नॉट और पी एस के बीच का जो डिफरेंस होता है मैथमेटिकली इसी डिफरेंस को बेसिकली क्या कहा जाता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इसी डिफरेंस को क्या कहा जाता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये है आप लोगों का फॉर्मूला नंबर वन खैर ये कोई फॉर्मूला नहीं है ये एक बेसिक मैथमेटिक्स है ठीक है बट इसी पर्टिकुलर कंसेप्ट को हम कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पहले तुम्हारे मार्क्स आए थे 92 और अब तुम्हारे मार्क्स आए 79 तो तुम्हारे कितने मार्क्स लोअर हो गए तुम कैसे निकालोगे 92 टू माइनस सेवेंटी करोगे ना पता चल जाएगा कि कितने मार्क्स लोअर हुए तो डैट इज लाइक दैट कि पहले सॉल्यूट के मिक्स करने से पहले हमारा जो बेचारा सॉल्वेंट था उसका प्रेशर इतना था पी नॉट और सॉल्यूट के मिक्स करने के बाद उसका प्रेशर कितना हो गया पी तो जो पी नॉट और पी के बीच का गैप है दैट इज नोन एज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर उस पर्टिकुलर गैप को हम लोग क्या कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ठीक है क्या ये वर्ड समझ में आया कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है ठीक है अब हम लोग एक नेक्स्ट कंसर्ट समझते हैं वैसे मैं इस लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को एक बार और मैथमेटिकली भी तुमको समझाऊंगी कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और क्या है और किस चीज़ को लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके पे डिपेंड करता है वगैरह वगैरह ये सब सिखाऊंगी बट पहले इतनी बातचीत को थोड़ा आगे ले जाते हैं बताओ अब मैं अगर तुमसे कहूँ कि ये टर्म मुझको बताओ कि क्या होती है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आर तो देखो रिलेटिव का मतलब होता है किसी के रिस्पेक्ट में कुछ काम करना जैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपने ये वर्ड सुना होगा है ना रिलेटिव डेंसिटी आपने ये वर्ड सुना होगा जैसे कई बार ऐसा बोला जाता है ना कि अरे तेरे इतने मार्क्स आए मेरे इतने आए दिस इज एप्सील्यूट तेरे थर्टी टू आए मेरे फोर्टी टू आए दिस इज एप्सीूट बट अगर मैं ऐसे बातचीत करने लगूँ कि अच्छा तेरे से ना मुझको दस नंबर मतलब टेन टाइम्स मैं तेरे से ज़्यादा आई हूँ या मैं अगर तुमसे ऐसी बातचीत करने लगूँ कि मैं तुमसे टू टाइम्स कम आई हूँ तो जब हम ऐसी बातचीत करने लगे दिस इज़ नोन एज रिलेटिव कंसेप्ट तो जब आप आर एल वी पी को क्या करते हो जब आप आर एल वी पी को समझने जाते हो तो आर एल वी पी कहती है कि कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है भाई मुझको समझना जो तुम्हारा एल वी पी है एल वी पी मतलब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अगर इसको तुम डिवाइड कर दो किसके रिस्पेक्ट में डिवाइड कर दो इसका रेशियो ले लो किसके रिस्पेक्ट में रेशियो ले लो जो इनिशियली था इनिशियली कितना था इनिशियली पी नॉट था तो वो जो क्वांटिटी क्रिएट होती है ना दैट इज़ आर एल वी पी यानी कि आर एल वी पी क्या है आर एल वी पी इस आपका एल वी पी डिवाइडेड बाय पी नॉट जहाँ पे पी नॉट का मतलब क्या है तुम्हें रटा हुआ होना चाहिए पी नॉट का मतलब होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ठीक है इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कई लोग एल वी पी को डेल्टा पी वाले सिंबल से इंडिकेट करते हैं कई लोग तो ऐसे भी लिखा जा सकता है डेल्टा पी अपॉन में पी नॉट ये हम लोगों का आर एल वी पी है अब कई लोगों को एल को पूरी तरीके से फुल फॉर्म वाले फॉर्म में लिखना अच्छा लगता है फुल फॉर्म वाला फॉर्म मतलब आर एल क्या है सॉल्वेंट का प्रेशर माइनस सल्यूशन का वेपर प्रेशर कई लोगों को ऐसे लिखना अच्छा लगता है तो ये भी एक तरीका है आर एल को लिखने का अच्छा अगर मैं इस थर्ड नंबर के फॉर्मूले को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं मतलब पी नॉट अपॉन में पी नॉट माइनस में पी एस अपॉन में पी नॉट यानी कि मैंने कुछ नहीं किया है बस इस पी नॉट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है बेसिक मैथमेटिक्स तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा वन माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट तो ये भी आप लोगों का क्या है आर एल वी पी का ये भी फॉर्मूला है तो ये तो विभिन्न विभिन्न फॉर्मूले हो गए आर एल वी पी को एक्सप्रेस करने के बट बेसिकली आर एल वी पी है क्या ये समझो ये क्या है ये एक सिंपली रेशो है ठीक है ये रेशो है रेशो ऑफ किसका रेशो एल वी पी का रेशो विथ किसके साथ वेपर प्रेशर किसका वेपर प्रेशर आप लोगों के प्योर सॉल्वेंट का तो जो क्वांटिटी आती है ठीक है रेशो लेने के बाद उस पर्टिकुलर क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं आर एल वी पी कहते हैं और ये जो आर एल वी पी है ना ये आर एल वी पी आप लोगों की क्या होती है कोलोगेटिव प्रॉपर्टी होती है ये एल वी पी जो होती है ये कोलोगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है ठीक है ये ध्यान रखना ये कोलोगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है कल की क्लास में मैंने एल वी पी के आगे आर लगाना मैं भूल गई हूँ तो उसको ठीक कर लेना ये कलोगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है आर एल वी पी एक कोलोगेटिव प्रॉपर्टी है ठीक है आर एल वी पी एक कलोगेटिव प्रॉपर्टी है तो पहले तो हमने ये सीख लिया कि आखिर एल वी पी का मतलब क्या है और आखिर आर एल वी पी का मतलब क्या है पेपर में छोटी छोटी डेफिनेशन पूछी जाती हैं डिफाइन लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिफाइन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर तो कुछ भी बड़ा तोपखान नहीं है दोनों चीज़ें बहुत ही सिंपल है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज़ डिफाइंड एज द डिफरेंस किस चीज़ का डिफरेंस बताऊँ डिफरेंस बिटवीन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड देपर प्रेशर ऑफ़ सोल्यूशन खत्म सॉलवेंट और सोल्यूशन के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस प्रेशर का जो गैप है दैट इज नोन एज एल वी पी लोअरिंग ठीक है अच्छा और याद रखना सल्यूशन का कम होगा सॉल्वेंट का ज़्यादा होगा और सोल्यूशन का कम क्यों होगा क्योंकि हमने नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी डाल दी क्योंकि हमने कौन सी वाली इम्प्योरिटी डाल दी नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी डाल दी ठीक है अच्छा और आर एल वी पी क्या होता है कि अगर उसी एल वी पी का हम रेशो ले लें किसके साथ रेशो ले लें आप लोगों के आप लोगों के पी नॉट के साथ यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट के साथ तो उस पर्टिकुलर रेशो को हम लोग क्या कहते हैं आप लोगों का आर एल वी पी कहते हैं ध्यान रखना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल्स आने की वजह से वो लोग तो बहुत सारी सरफेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं अगर वो बहुत सारी सरफेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं मतलब पहले अगर सरफेस पे इमेजिन करो 200 पार्टिकल्स सॉल्वेंट के थे और 200 पार्टिकल वेपराइज हो रहे थे तो अब सॉल्यूट के आने के बाद मान लेते सिर्फ डेढ़ सौ पार्टिकल्स ही सरफेस पर हैं और सिर्फ डेढ़ पार्टिकल ही वेपराइज हो पा रहे हैं तो ऐसे केस में प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कम हो जाएगा खैर मैंने तुम्हें एल समझा दिया मैंने तुम्हें आर एल समझा दिया अब हम लोग बात करेंगे कुछ फॉर्मूलेस की और कुछ डेरिवेशन की जो तुमको इस पर्टिकुलर टॉपिक में बहुत डिटेल में पता होने चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल्स आते हैं ठीक है उसके अलावा सीधे सीधे बोर्ड्स की अगर रिस्पेक्ट में बात करूँ तो सीधा सीधा टू प्रूफ प्रूफ दैट करके ऐसे डेरीवेशन पूछ लिए जाते हैं तो हमको अभी इन फॉर्मुलेस पर आना है तो फॉर्मूले पे आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है तुम्हें राउुल्स लॉ बस पता होना चाहिए अगर तुम्हें राउल्स लॉ पता है जो कि हम लोग पुरानी क्लासेस में सीख चुके हैं कि अच्छा राउल्स लॉ इस बला का नाम है तो अगर तुम्हें राउल्स लॉ पता है तो तुमको सब कुछ पता है अगर तुम्हें राउल्स लॉ पता है तो अब जैसे कि हमने अभी क्या बात की कि हम एक सल्यूशन बना रहे हैं कैसा सोल्यूशन बना रहे हैं सॉलवेंट के पास हम किसको ऐड कर रहे हैं सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं हाँ बस एक ही शर्त है कि हमारा जो सॉल्वेंट है वो कैसा है वोलेटाइल है और जो सॉल्यूट है वो सॉल्यूट हम लोगों का कैसा है बताओ वो हम लोगों का नॉन वोलेटाइल है है ना ये ध्यान रखना अच्छा अब उसके अलावा अब हम लोग क्या कह रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिक्स करके जो सोल्यूशन बना ये सोल्यूशन कैसा है एक आइडियल सोल्यूशन है अब अगर ये एक आइडियल सोल्यूशन है तो आप यहाँ पर क्या अप्लाई कर सकते हो आप यहाँ पे राउल्स लॉ अप्लाई कर सकते हो अगर ये एक आइडियल सोल्यूशन नहीं होता तो तुम क्या यहाँ पे कभी भी आपका राउल्स लॉ अप्लाई कर पाते है? क्या नहीं राउल्स लॉ तभी अप्लाई किया जाता है जब सोल्यूशन कैसा हो आइडियल हो अगर सोल्यूशन आइडियल नहीं है तो राउल्स लॉ अप्लाई नहीं किया जाता ध्यान रखना तो यहाँ पे राउल्स लॉ अप्लाई होगा बिल्कुल होगा चलो कर लेते हैं अब ऐसे केस में अगर मैं तुमसे कहूँ कि टोटल प्रेशर किसके बराबर है तो तुम यही कहोगे कि मैडम प्रेशर सॉल्वेंट की वजह से ठीक है प्लस आप लोगों का प्रेशर किसकी वजह से सॉल्यूट की वजह से यही कहोगे थोड़ा और अच्छे से अगर मैं तुमको लिखने को कहूँ तो तुम यही कहोगे कि सॉल्वेंट की वजह से मतलब पी नॉट किस चीज का आपके सॉल्वेंट का इनटू में मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का बराबर प्लस अच्छा सॉल्वेंट की पूरी स्पेलिंग लिख देती हूँ प्लस बताओ यहाँ पी सॉल्यूट को मैं क्या लिख सकती हूँ पी नॉट सॉल्यूट का ठीक है इनटू में क्या लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का लेकिन जैसे कि मैं तुम्हें ऑलरेडी ऊपर बता चुकी हूँ क्या कि जो नॉन वोलेटाइल चीज़ें होती हैं वो नॉन वोलेटाइल चीज़ें वेपराइज नहीं होती और अगर कोई चीज़ नॉन वोलेटाइल है तो नॉन वोलेटाइल चीज़ें कैनॉट वेपराइज़ वो वेपराइज नहीं हो सकती और अगर वो वेपराइज़ नहीं हो सकती तो ऐसे में बोलो क्या हो जाएगा वहाँ पे जो प्रेशर होगा वो प्रेशर बराबर बोलो कैसा रहेगा उनके द्वारा क्रिएट वाला जो उनके द्वारा जो क्रिएटेड तो प्रेशर होगा वो कैसा होगा वो जीरो होगा है ना वो उनके द्वारा वो क्रिएटेड तो प्रेशर क्या तो होगा उनके द्वारा क्रिएटेड प्रेशर क्या होगा ज़ीरो होगा तो ऐसे केस में सॉल्यूट तो हमारा नॉन वोलेटाइल है और अगर मेरा सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो ऐसे केस में ये वाली क्वांटिटी कितनी हो गई ज़ीरो हो गई इसका मतलब ये पूरी क्वांटिटी कितनी हो गई ज़ीरो हो गई तो इसका मतलब मैं ये लिख सकती हूँ कि जो मेरा टोटल प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करता है पी नॉट सॉल्वेंट ठीक है इन टू में एक्स यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ़ दैट सॉल्वेंट इन् टू क्या लिख सकती हूँ मैं उसको मोल फ्रैक्शन ऑफ़ दैट सॉल्वेंट ये बात मानती हूँ क्या लिख सकती हूँ मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ़ दैट सॉल्वेंट ठीक है अब जैसे तुमको ये चीज़ इलेवेंथ क्लास से सिखाई गई है बहुत अच्छे से कूट कूट के बताई गई है कि अगर आपके पास दो लोग हैं लेट से एक है ए एक है बी आप ए और बी अगर दोनों को आपस में क्या करते हो आ, मिक्स कर देते हो तो उनके जो मोल फ्रैक्शन का एडिशन होगा ठीक है भले ही दो लोग हो तीन लोग हो छः लोगों जितने भी हो टोटल मोल फ्रैक्शन का एडिशन किसके बराबर होता है वन के बराबर होता है ये अपन जानते हैं अच्छे से अब यहाँ पे दो ही लोग हैं एक है सॉल्यूट और एक है सॉल्वेंट तो यानी कि क्या मैं इस सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को ऐसा लिख सकती हूँ कि पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट ये तो भैया वैसे का वैसी लेकिन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को मैं कैसे लिख सकती हूँ वन माइनस दी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या ऐसा लिखा जा सकता है बिल्कुल लिखा जा सकता है अच्छा एक काम करो थोड़ा ब्रैकेट ओपन कर लो अच्छा ठीक है अब देखो पी टोटल क्या है पी टोटल मतलब सल्यूशन है ना पी टोटल मतलब सोल्यूशन तो मैंने पी टोटल को किससे रिप्लेस कर दिया बस टी को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया एस से टोटल का मतलब क्या होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट और सॉल्यूट और सॉल्वेंट मतलब सॉल्यूशन तो मैं इसको पी से रिप्लेस कर दिया मैंने ठीक है ओके पी नॉट सॉल्वेंट तो पी नॉट सॉल्वेंट आपको सॉल्वेंट नीचे लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम लोग यहाँ पर पहले से ही मान के चल रहे हैं कि जो ये पी नॉट है ये किसके लिए यूज़ हो रहा है सॉल्वेंट के लिए यूज़ हो रहा है ना किसके लिए यूज़ हो रहा है सॉल्वेंट के लिए यूज़ हो रहा है ठीक है अच्छा चलो ठीक है तो मैंने पी नॉट के पास जो सॉल्वेंट था उसको हटा दिया ये अंडरस्टैंडिंग है कि वो सॉल्वेंट के लिए यूज़ हो रहा होगा ब्रैकेट ओपन करो तो माइनस में क्या आ जाएगा पी नॉट यहाँ पे मोल फ्रैक्शन किसका बोलो सॉल्यूट का वैसे तो ये फॉर्मूला भी सही था इस फॉर्मूले में कोई बुराई नहीं थी कि पी एस जो होता है वो पी नॉट और सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय बोलो क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बट ये फॉर्मूला एकदम परफेक्ट था फॉर्मूला नंबर वन हमारा बहुत ही परफेक्ट था बट फिर भी हमको मस्ती आई कि नहीं यार सॉल्वेंट को हटा के सॉल्यूट लाते हैं तो सॉल्यूट के टर्म्स में अब हम लोग फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं खैर ये जो पी नॉट है इसको मैं यहाँ ले जाती हूँ क्या हो जाएगा बोलो ये ये हो जाएगा पी एस माइनस में पी नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ पी नॉट इन टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ठीक है थोड़ा सा और अच्छी मैथमेटिक्स लगा लेते हैं बच्चों वाली तो यहाँ से आ जाएगा पी एस माइनस में पी नॉट अपॉन में माइनस ऑफ पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन किसका सॉल्यूट का ये जो माइनस साइन है इसको जरा आप ऊपर भेज दो तो डोंट यू थिंक यहाँ से ये यह चीज़ ऐसी हो जाएगी पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में कितना पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ वॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मैंने अभी अभी तुमको आर एल वी पी का मतलब बताया है मैंने क्या बताया था कि नॉट मतलब क्या पी नॉट मतलब सॉल्वेंट पी एस मतलब क्या सॉल्यूशन सॉल्वेंट माइनस और अगर उसी एल वी पी का रेशियो ले लो पी नॉट के साथ तो वही पर्टिकुलर क्वांटिटी क्या कहलाने लगती है आर एल तो यानी कि ये जो पूरा का पूरा रेशियो है ये पूरा का पूरा जो रेशियो है ये रेशियो कौन है ये रेशियो आर एल वी पी है वो पूरी की पूरी क्वांटिटी क्या है आर एल और यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकल कर आया बोलो क्या यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकल के आया कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके बराबर है मोल फ्रैक्शन ऑफ के बराबर है ठीक है क्या निकल कर आया यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मुला निकल के आया कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके बराबर है मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट के बराबर है इससे बहुत सारे छोटे छोटे एमसीक्यू पूछे जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग आर एल वी पी तो जैसे पहला ऑप्शन दे देगा आर एल वी पी इज अ कोलोगेटिव प्रॉपर्टी दूसरा ऑप्शन दे देगा इट इज दी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट ऐसे करके दो तीन दो तीन ऑप्शन दे देगा तो ध्यान रखना कि आर एल किसके बराबर होती है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के यानी कि यहाँ पे जो मैंने आपको इतनी सारी चीजें लिखा के दी थी ना कि आर एल वी पी इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय पी नॉट तो यहाँ पे एक चीज़ और भी लिखी जा सकती थी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ वॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट ये लिखी जा सकती थी इस क्वांटिटी को भी किसके बराबर लिखा जा सकता था मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बराबर लिखा जा सकता था इस क्वांटिटी को भी किसके बराबर लिखा जा सकता है इसको भी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बराबर लिखा जा सकता है मतलब आर एल वी पी के किसी भी फॉर्मूले को ठीक है किसी भी फॉर्मूले को मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बराबर लिखा जा सकता है यानी कि अगर आप सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल लो जो कि आपको निकालना आता है मोल फ्रैक्शन तो वही मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट क्या कहलाएगा आर एल वीपी कहलाएगा वही मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट क्या कहलाएगा आर एल वी पी कहलाएगा तो यहां पे हम लोग इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन किस चीज का मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट इज आर एल वी पी वही बेसिकली आप लोगों का कौन है आर एल वी पी है तो आर एल वी पी निकालने के लिए मान लो पी नॉट नहीं दिया है मान लो पी एस नहीं दिया है तो घबराना नहीं कि अरे भगवान मुझे पी नॉट नहीं दिया मुझे पीएस नहीं दिया मैं माइनस कैसे करूं मैं रेशियो कैसे लूं सिंपल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ही कुछ डेटा दिया होगा मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए बस खत्म वही आप लोगों का कौन है आर एल वी पी खैर इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं पूरी दुनिया जानती है मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला पूरी दुनिया मुझे ये लगता कि तुम में से ऐसा कोई है जिसको मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला नहीं आता है सबको आता है अगर मुझे सोल्यूट के मोल्स निकाल मोल फ्रैक्शन निकालना है तो न्यूमरेटर में क्या रहेगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा टोटल मोल्स टोटल मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बराबर अब पेपर में बताओ कुछ ना कुछ तो डेटा दिया होगा ना कि सॉल्वेंट इतना ग्राम है सॉल्यूट इतना ग्राम है तो तुम क्या उसके ग्राम वगैरह से तुम क्या मोल्स ही निकाल सकते निकाल सकते हो ना इसके लिए बस इतना पता होना जरूरी है कि मोल्स का फॉर्मूला होता है बोलो क्या मास डिवाइडेड बाय बोलो कितना मोलर मास बस इतना पता होना चाहिए कि मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है बाए बाए मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ठीक है तो आपको अगर मास दिया है मोलर मास दिया है तो मोल्स निकाल लो मोल्स दिए हैं निकाल चुके हो तो उसको पुट करके फिर मोल फ्रैक्शन निकाल लो बराबर तो ये है तुम लोगों का फॉर्मूला नंबर तीन बट मैं इसको कोई फॉर्मूला नंबर तीन नहीं कहूंगी क्योंकि जिस बंदे को बंदी को मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना आता है वो डेफिनेटली वो उसको फॉर्मूला नहीं घोषित करेगा मोल सी ही तो लिखे हैं भाई फिर ऐसे में तो मान के चलो मान के चलो जस्ट इमेजिन करो मैं क्या कर दूं अगर मान ले मैं ऐसा कर दूं मैं ऐसा कर दूं कि चलो जालो एक काम करो मोल के भी फॉर्मूले को पुट करो तो फिर तो ये हो जाएगा वेट किसका सॉल्यूट का ठीक है अपॉन में मोलर मास किसका सॉल्यूट का ठीक है अपॉन में क्या आ जाएगा अगेन मोल्स किसके सल्यूट के फिर तो तुम बोलोगे ये भी एक फॉर्मूला है तो ऐसे पचास ठोक फॉर्मूले हमको नहीं लिखने हैं हम इसे दो या तीन कंसेप्ट लिखने हैं बस खत्म और ये मोल्स के टर्म में वेट और मोलर मास के टर्म में ये सब बकवास है ये कोई फॉर्मूले नहीं होते जिस इंसान को मोल फ्रैक्शन लिखना आता है वो बंदा या वो लड़की कुछ भी कर सकता है वो उससे मोल के टर्म्स में भी ला सकता है उसको मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में भी ला सकता है ठीक है इसीलिए मैं फॉर्मूला नंबर टू को ही अपना फॉर्मुला मानूंगी बाकी दो को मैं अपना फॉर्मूला नहीं मानूंगी जिसको मोल फ्रैक्शन आता है वो मोल्स के टर्म में लिख लेगा जिसको मोल्स आते हैं वो निकालने वो तो ऑब्वियसली वेट बाय मोलम आता ही होगा है ना इसलिए वो हमारे ये दो छुटपुट छुटपुट फॉर्मले नहीं है कई स्टूडेंट्स इनको याद करते हैं कि ये भी फॉर्मला है वो भी फॉर्मला मत याद करो सिर्फ इतना याद रखो आर एल बी इक्वल टू बराबर मोल फ्रैक्शन खत्म बात हाँ मोल फ्रैक्शन निकालते आना चाहिए ये बात अलग है ठीक है तो ये हो गई हमारी बातचीत खैर अब यहाँ पे तुम लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट तुम्हारे सामने आ रहा है उसको याद रखना है बहुत अच्छे से याद रखना है क्या है वो कंसेप्ट तो देखो अभी अभी हम मैंने तुम्हें क्या बताया कि आर एल वी पी ही बेसिकली मोल फ्रैक्शन है किसका मोल फ्रैक्शन है सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन है मैंने क्या कहा था आर एल वी पी के किसी भी फॉर्मूले को तुम मोल फ्रैक्शन और सल्यूट के बराबर लिख सकते हो तो आर एल वी पी का फॉर्मूला क्या होता है पी नॉट माइनस में पी एस अपॉन में बोलो कितना पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट यही होता है ना उसका फॉर्मूला हाँ यही होता है जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ स्मॉल एन अपॉन में क्या लिख सकती हूँ स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन अब मैंने ये स्मॉल एन कैपिटल एन ये सब क्या बकवास की जहाँ पे स्मॉल एन का मीनिंग है मोल्स किसके मोल्स सल्यूट के मोल्स है ना बार बार स्पेलिंग लिखने से अच्छा है मैंने सिंबल दे दिया कैपिटल एंड मतलब मोल्स किसके मोल्स ऑब्वियस है कि सॉल्वेंट के मोल्स बराबर चलो अब आप क्या करो ये जो आपको एक्सप्रेशन दिख रहा है इस एक्सप्रेशन का एक बार रेसिप्रोकल ले लो अगर रेसिप्रोकल ले लूँगी तो ये चीज़ ऊपर चली जाएगी आपका पी नॉट ये नीचे आ जाएगा नॉट माइनस पी एस इस चीज़ का रेसिप्रोकल ले लूंगी तो इस तरीके का कुछ आ जाएगा बराबर है ना अच्छा अब इस एन को एक काम करो इधर दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर दो ठीक है दोनों तरफ अगर मैं इस एन को दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी तो ये एन बाय एन प्लस कैपिटल एन बाय स्मॉल एन आ जाएगा ये एन n और एन n के बोलो कितना आ गया जीरो नहीं वन वन प्लस कैपिटल एन बाय स्मॉल एन यहाँ पे क्या है यहाँ पे ये चीज वैसी की वैसी पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस बराबर अच्छा अभी बात बताओ ये प्लस वन अगर यहाँ आएगा तो ये क्या बन जाएगा माइनस वन तो ये हो जाएगा पी नॉट अपॉन में पी नॉट माइनस पी एस माइनस वन इज इक्वल्स टू कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन अब थोड़ी सी मैथ्स करो बस ये मैथ्स बेसिक मैथ्स आती ना फ्रैक्शन को आइडिया सब्ट्रैक्ट करना बस उतनी बेसिक सी मैथ्स क्या हो जाएगा पी नॉट माइनस वन वन के बाद ये पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में क्या आ जाएगा पी नॉट माइनस पी एस ठीक है मैं एकदम बच्चों के जैसे मैथ्स करके बता रही हूँ ताकि किसी भी इंसान को कहीं भी डाउट नहीं आना चाहिए ठीक है अदरवाइज इतने बच्चों लेवल वाली मैथ्स कराने की मुझे नीड नहीं थी अगर मैं ब्रैकेट वगैरह ओपन करूँ तो तुम तो जानते हो कि ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये क्वांटिटी ये क्वान्टिटी कट जाएगी न्यूमरेटर में क्या बचेगा पी एस बचेगा अपॉन में क्या बचेगा पी नॉट माइनस पी एस बचेगा इक्वल टू कैपिटल एन बाय स्मॉल एन एक बार ना इसका फिर से रेसी ले लो तो अगर फिर से रेसी ले ले तो बताओ ये क्या होगा ये होगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी एस इज इक्वल टू स्मॉल एन बाय कैपिटल एन बराबर स्मॉल एन बाय कैपिटल एन ये फॉर्मूला तुम लोगों की आगे बहुत जगह जाकर जान बचाएगा बहुत जगह इसको मैं मेरा फॉर्मूला नंबर तीन कहती हूँ अब देख ध्यान देना कई स्टूडेंट्स गड़बड़ कर देते हैं कैसी गड़बड़ कर देते हैं उनको लगता है कि पी नॉट माइनस पी एस है तो उनको आर एल वी पी उनके दिमाग में इतने अच्छे से ठूस जाती है कि उनको ऐसा लगता है कि अरे डिनोमिनेटर में तो पी नॉट आना चाहिए मैडम आपने शायद गलती से पी एस लिख दिया है मैंने गलती से पी एस नहीं लिखा मैंने तुम्हें पूरी मैथामेटिकल कैलकुलेशन दिखाई है है ना मैंने तुम्हें पूरी की पूरी मैथामेटिकल कैलकुलेशन दिखाई है राइट मैंने पूरी मैथामेटिकल कैलकुलेशन दिखाई है तुमको तो ये जो मैथामेटिकल कैलकुलेशन है इसमें पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी एस है और अगर पी नॉट माइनस पी एस के अपॉन में पी एस आ जाए तो पहली बात तो ये वाली जो क्वांटिटी है ये वाली क्वांटिटी एक आर एल वी पी नहीं है पहला पॉइंट याद रखना ये एक आर एल वी पी नहीं है ये एक जस्ट एक फॉर्मूला है दिस इज जस्ट एक फॉर्मूला आर एल वी पी अगर होता ना तो डिवाइड में पी नॉट होना चाहिए था क्या डिवाइड में पी नॉट है नहीं है क्या डिवाइड में पी नॉट है नहीं है इसका मतलब ये आर एल वी पी नहीं है ये जस्ट एक फार्मूला है ये क्या है जस्ट एक फार्मूला जस्ट एक फार्मूला जो कि हमें बहुत बड़ी तकलीफ से बचाएगा क्यों बहुत बड़ी तकलीफ से बचाएगा क्योंकि अगर मैं आर एल वी पी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करती थी तो मुझे देखो डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में एक बार मोल लेना पड़ता डिनोमिनेटर में दो बार मोल लेना पड़ता लेकिन इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मुझे न्यूमरेटर में भी एक ही बार मोल लेना है जो कि सॉल्यूट का है और डिनोमिनेटर में मुझे सिर्फ एक ही बार मोल लेना है जो कि किसका है सॉल्वेंट का है तो कैलकुलेशंस से बचने के लिए हमने इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को बनाया है यानी कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी एस इक्वल्स टू बोलो क्या मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ये आर एल वी पी नहीं है और ना ही ये वाली चीज आप लोगों की मोल फ्रैक्शन है ये मोल फ्रैक्शन नहीं है मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है डिनोमिनेटर में टोटल चाहिए क्या तुमको डिनोमिनेटर में टोटल दिख रहा है क्या कहीं पे भी टोटल का मतलब होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ठीक है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ठीक है ये होता है टोटल का मतलब क्या यहाँ पे तुम्हें डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट के साथ सॉल्यूट दिख रहा है नहीं दिख रहा है इसका मतलब इसका मतलब ये कि ये क्वांटिटी आप लोगों की ना तो मोल फ्रैक्शन है और ना ही लेफ्ट साइड वाली क्वांटिटी आप लोगों का क्या है आप लोगों की आर एल वी पी है ठीक है ध्यान रखना वो आप लोगों की आर एल वी पी नहीं है वो क्वांटिटी आप लोगों की आर एल वी पी नहीं है ठीक है ये फॉर्मूले हैं क्या और सिंप्लीफाई किया जा सकता है इन फॉर्मुलों को बिल्कुल इसी फॉर्मूले को थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तुम्हारी मर्जी चलो कैसे वो जो राइट हैंड साइड में मोल्स हैं वो किसके मोल्स हैं न्यूमरेटर में सॉल्यूट के मोल्स हैं क्या उस सॉल्यूट के मोल्स को मैं ऐसा लिख सकती हूँ मास किसका मास सॉल्यूट का मास लिख सकते हो क्यों नहीं लिख सकते लेकिन अपॉन में क्या लिखना पड़ेगा मोलर मास किसका मोलर मास सॉल्यूट का मोलर मास ओके ठीक है जो अपॉन में कैपिटल एन है उस अपॉन के कैपिटल एन को क्या लिखा जा सकता है मास किसका मास सॉल्वेंट का मास अपॉन में क्या लिखा जा सकता है मोलर मास किसका मोलर मास सॉल्वेंट का मोलर मास लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं ठीक है अच्छा तुम्हें पता होना चाहिए ये चीज़ कि जब हम मोल्स निकालते हैं तो मोल्स कैलकुलेट करते वक्त हमेशा मास किस में रखा जाता है ग्राम में रखा जाता है ये बात पता है ना हाँ ये बात तो हमको पता है कि किस में रखा जाता है ग्राम में रखा जाता है ठीक है तो ये जो ऊपर वाली क्वांटिटी है इसको फालतू के मास बाय मोलर मास मत करो ठीक है इसको फालतू के मास बाय मोलर मास मत करो इसको ऐसी रहन दो मोल्स किसके सल्यूट के अब एक काम करो ये जो नीचे में डिनोमिनेटर में जो ये मास है ये मास किस में है ग्राम में है थोड़ी सी मैथ्स करनी है तुम्हें शायद बचपन में किसी ने सिखाया होगा कि वेट को अगर हम लोग ग्राम से केजी में लेकर जाते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है टेन की पावर माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ता है या फिर मैं कहूँ थाउजेंड से डिवाइड करना पड़ता है ठीक है ना तो मैंने मास ऑफ सॉल्वेंट को टेन की पावर माइनस थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये जो भी मेरा मास था सॉल्वेंट का मास ये किस में आ गया होगा के में आ गया होगा अगर मैं मास ऑफ सॉल्वेंट को टेन की पावर माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे को जो डिनोमिनेटर में मोलर मास है सॉल्वेंट का उसको भी टेन की पावर माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बैलेंस रहे है ना किसी एक क्वांटिटी को अचानक से किसी भी दूसरी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं किया जा सकता खैर अब मुझे एक बात बताओ ये चीज़ तुमने कहीं देखी है क्या मोल्स ऑफ सॉल्यूट देखा है कहीं हाँ डिवाइड में मास ऑफ सॉल्वेंट और वो भी अब कौन सा वाला सॉल्वेंट के वाला सॉल्वेंट क्या ये चीज़ कहीं देखी है अरे हाँ इसको तो हम लोग जानते हैं कौन है ये ये है मोलैलिटी कौन है ये मोलालिटी ठीक है और ये जो क्वांटिटी ये कहाँ पहुंच जाएगी ये ऊपर पहुंच जाएगी ये क्वांटिटी आपके ऊपर पहुंच जाएगी यानी कि मोलालिटी मल्टीप्लाई बाय बोलो क्या मल्टीप्लाई बाय मोलर मास किसका मोलर मास सॉल्वेंट का मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस थ्री थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या लिख सकते हैं इसको मोलैलिटी मल्टीप्लाई बाय बोलो क्या मोलर मास किसका मोलर मास सॉल्वेंट का मोलर मास डिवाइडेड बाय बोलो क्या थाउजेंड वो जो टेन की पावर माइनस थी थे ना उसको मैंने नीचे ले आई और इधर क्या है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी एस ये एक और फार्मूला आ गया कल को मान लेते हैं इस फार्मूला में से तुमको बहुत सारा डेटा दिया हो सकता है बहुत सारा डेटा तुमको मोलर मास दे दे तुम्हें पी एस दे दे तुम्हें पी नॉट दे दे और तुम्हें मोलैलिटी कैलकुलेट करने को बोले या फिर तुम्हें मोलालिटी दे दे पी नॉट दे दे पी एस दे दे मोलर मास कैलकुलेट मतलब एनीथिंग तो ये भी हम लोगों का एक नेक्स्ट फॉर्मूला बन गया किसके टर्म्स में मोलेलिटी अच्छा कल को मोलेलिटी के बदले में मोलैरिटी पूछ ले मान लेते हैं कल को उसने बोल दिया कि मुझे मोलेलिटी नहीं चाहिए मुझको क्या चाहिए मोलैरिटी चाहिए टू फाइंड मोलैरिटी बट हमारे फॉर्मूले में तो मोलैरिटी है मैं मोलैरिटी कैसे निकालूं तो इसी के लिए इलेवेंथ क्लास में मोल कंसेप्ट सिखाया जाता है जिसमें आप इस तरीके के कन्वर्जन करना सीखते हो कि पहले आंसर मोलैलिटी में निकाल लो फिर उस आंसर को मोलैरिटी में कन्वर्ट कर दो जो कि अभी कुछ दिनों पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमने भी इस चीज की प्रैक्टिस की है तो अगर मोलैरिटी कैलकुलेट करने को बोले तो क्या करोगे आप मोलैलिटी कैलकुलेट कर लेना ठीक है आप क्या कैलकुलेट कर लेना मोलैलिटी कैलकुलेट कर लेना और जब मोलैलिटी कैलकुलेट हो जाए तो बस क्या करना उसको कन्वर्ट कर देना किस चीज़ में कन्वर्ट कर देना आप आपके मोलैलिटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आपको ऑलरेडी सिखाया है ठीक है पुराने चैप्टर्स में तो बस कन्वर्जन कर दो तो यहाँ से हम लोगों के पास क्या है तुम लोगों का फॉर्मूला उठ आ गया ठीक है इस तरीके से हम लोगों के आर के बहुत सारे फॉर्मूलेस आ गए और हमने देख लिया आगे जाकर जैसे जैसे ये चैप्टर आगे बढ़ेगा जब आप चारों प्रकार की कोलोगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ लोगे तो उन चारों प्रकार की कोलोगेटिव प्रॉपर्टीज को पढ़ लेने के बाद एक कंसेप्ट आता है वेंट ऑफ फैक्टर ठीक है एक कंसेप्ट आता है वेंट ऑफ फैक्टर जिसको हम लोग आई नामक एक सिंबल से इंडिकेट करते हैं जिसको कौन से सिंबल से इंडिकेट करते हैं हम लोग उस टॉपिक को आई सिंबल से खैर अभी तक हमने इस सिंबल को कभी इंट्रोड्यूस नहीं किया नहीं किया ना ठीक है छोड़ो जो भी है आगे जाके एक टॉपिक आता है जिसका नाम है वेंट ऑफ फैक्टर जिसको हम लोग आई नामक सिंबल से इंडिकेट करते हैं तो ये जो आई है ना आई अभी मैंने आपको ऊपर जितने भी फॉर्मूले बताए इन सभी फॉर्मूल्यों में आई इंट्रोड्यूस हो जाता है तो कैसा होता है कि आपको जब पूरी चारों कोलोगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ा दी जाए और फिर अगर आपको वेंट ऑफ आप फैक्टर का फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करके दिया जाए ना तो आप कन्फ्यूज हो जाते हो होते हैं स्टूडेंट्स के अरे यार आई वाला फार्मूला कब लगाना है बिना आई वाला फार्मूला कब लगाना है वो पूरे कन्फ्यूज हो जाते हैं तो ऐसे में ये जो ऊपर आपको फार्मूले दिए गए हैं ना ये जो जो फार्मूले दिए गए ये फार्मूले किसके लिए दिए गए ये फार्मूले तब दिए गए जब हमारे पास हमारा सॉल्यूट कैसा था नॉन वोलेटाइल जैसे शक्कर ग्लूकोज इस टाइप का फार्मूला ठीक है तो ऐसे में ये जो ऊपर जितने भी मैंने फॉर्मूले दिए हैं ठीक है फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऑल फॉर्मूलेस आर वैलिड स्पेलिंग ठीक कर लेना नॉन वोलेटाइल की फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऑल अबोव ऑल अबोव फॉर्मूलाज आर वैलिड ठीक है ऑल अबोव फॉर्मूलाज आर वैलिड ठीक है वो वैलिड है क्यों वैलिड है क्योंकि नॉन वोलेटाइल के लिए ठीक है क्योंकि अगर आपके पास मान लेते हैं कोई नॉन वोलेटाइल ठीक है अगर आपके पास कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए i बराबर कितना होता है वन इसीलिए वैलिड है कि i के होने से या i के नहीं होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि सॉल्यूट तो आपका कैसा है नॉन वोलेटाइल है इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता परंतु अगर मान के चलिए आपका सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल नहीं हुआ फिर क्या करोगे अगर आपका सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल नहीं हुआ मान के चलते वो वोलेटाइल हुआ या फिर मान के चलते हैं आप लोगों का वोलेटाइल तो नहीं बोलना चाहिए आप लोगों के पास एक ऐसा सॉल्यूट है जो नॉन वोलेटाइल है बट या तो वो डिसोशियट हो रहा है या तो वो असोशिएट हो रहा है जैसे अभी जो मैंने नॉन वोलेटाइल सल्यूट लिया ठीक है उसके लिए सारे फॉर्मूलेज वैलिड है क्योंकि नॉन वोलेटाइल सल्यूट नॉट अंडर गोइंग ठीक है नॉट अंडर गोइंग नॉट अंडर गोइंग डिसोशियेशन और एसोसिएशन इसको समझाती हूँ मैं क्या है नॉट अंडरगोइंग डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऐसे नॉन वोलेटाइल सल्यूट के लिए I बराबर कितना रहता है ऐसे नॉन वोलेटाइल सल्यूट के लिए I बराबर कितना रहता है आप लोगों का वन रहता है इसीलिए ऊपर के सारे फॉर्मूले वैलिड है बट कभी कभी कैसा होता है हमारे पास एक ऐसा सल्यूट आ जाता है जो नॉन वोलेटाइल तो है बट सॉल्वेंट में जाते बराबर वो डिसोशिएट हो गया जैसे मान लेते हैं शक्कर है शक्कर का फॉर्मूला क्या होता है सी ट्वेल्व एच ट्वेंटी टू ओ इलेवन अगर आप इसको सॉल्वेंट में डाल भी देते हो तो सॉल्वेंट में डालने के बाद शक्कर फर्दर डिसोशिएट तो नहीं होती ना मतलब कार्बन अलग कैटायन अनायन ये सब तो प्रोड्यूस नहीं होते ना तो इसीलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है ऊपर के अबो फार्मूलाज यूज़ करने में बट अगर आपने शक्कर की जगह नमक यूज़ किया होता लाइक एन तो NaCl को अगर सॉल्वेंट में डालते तो डिसोशिएट हो जाता है लाइक एन ए प्लस एन सी, -सी नेगेटिव इसका मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि हमने डाला एन है बट मतलब हमें ऐसा लगता है कि हमने सोल्यूशन के सॉल्वेंट के अंदर एक एन डाला है बट रियालिटी में एक एन का पार्टिकल आपने नहीं डाला बल्कि एक एन के बदले में आपने दो पार्टिकल्स डाल दिए कैसे दो एक एन पॉजिटिव का और एक सी नेगेटिव का समझिए एक एन पॉजिटिव का और एक किसका सी एल निगेटिव का आपने देखिकली कितने पार्टिकल्स डाले आपने दो पार्टिकल्स डाल दिए है अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुमने एक एन का पार्टिकल डाला है उस सॉल्वेंट के अंदर तो रियलिटी में एक एन का पार्टिकल नहीं डाला है रियलिटी में दो पार्टिकल डल गए हैं सिमिलरली अगर एम डालोगे तो एम जी के अंदर जाके डिसोशिएट हो जाता है कैसे एम पॉजिटिव का एक पार्टिकल और सी नेगेटिव के दो पार्टिकल मतलब तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुमने एक पार्टिकल डाला बट रियलिटी में वो एक पार्टिकल नहीं है वो तीन पार्टिकल्स हैं जैसे हम लोग बिस्किट का पैकेट खरीदते एक हैं लेकिन उसके अंदर क्या मात्र एक बिस्किट होता है क्या नहीं हाँ हो सकता है मे बी कुछ हाइड एंड सीक के या फिर क्या कहते हैं उसको एक बहुत अच्छा आता है ना रेड और ब्लैक कलर में उसकी पैकेजिंग होती है खैर मुझे नहीं समझ याद आ रहा हाइड एंड सीक याद है बस ये उस टाइप के अगर आप लेट से लूज में अगर बिस्किट्स खरीदते हो फाइव टू सिक्स रुपीज़ का आई थिंक वो एक आता है पैकेट तो उसके अंदर मात्र एक हाइड एंड सिक का बिस्किट होता है शायद हाइड एंड सिक का मात्र एक तो वो तो वो जो मैंने पैकेट एग्जाम है यार मेरे को नाम नहीं आ रहा है उस बिस्किट का याद क्यों तो था मैंने अभी बहुत सारे रिसेंटली बहुत सारे खाए हैं क्या था मैं बस खा गई नाम नहीं देखी मैंने उसका हाइड एंड सीख ही तो था शायद वो हाइड उसके अंदर ऐसे बाहर से ऐसी क्रंची क्रंची लगता है अंदर चॉकलेट चॉकलेट भरी हुई रहती है छोड़ो जो भी था उसको अगर ओपन करो उस पैकेट को अगर ओपन करो तो मात्र एक एक ऐसा निकलता था तो हम लोगों ने अब भी ऊपर ये जितने भी फॉर्मूले बनाए ये उन ये उन किसके लिए बनाए ये उन पर्टिकुलर सॉल्यूट्स के लिए बनाए जो सॉल्यूट सॉल्वेंट में जाने के बावजूद क्या नहीं होते डिसोशिएट नहीं होते यानी कि फर्दर टूटते नहीं है और ना ही असोशिएट होते मतलब अगर तुमने एक पार्टिकल डाला है तो एक ही पार्टिकल होगा सॉल्वेंट के अंदर जाने के बावजूद भी ठीक है बट कई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इतने बेशरम होते हैं इतने बदतमीज होते हैं यार कि सॉल्वेंट के अंदर जाने के बाद तीन पार्टिकल बन गए टूटकर कैटाइन मिलाकर चार पार्टिकल बन गए दो पार्टिकल बन गए मतलब आपको लगता है कि हमने एक डाला है बट रियलिटी में दो तीन चार होते हैं वो या कई बार कुछ सॉल्यूट के पार्टिकल्स इतने बेशरम होते हैं कि दो पार्टिकल्स कंबाइन करके एक पार्टिकल बना लेते हैं मतलब तुम्हें लगता है कि तुमने सौ पार्टिकल डालें बट रियलिटी में होते हैं पचास क्योंकि कंबाइन हो गए है ना तो हमें लगता है कि हमने एक डाला बट कभी डबल हो जाते हैं कभी ट्रिपल हो जाते हैं कभी आधा हो जाते हैं कभी वन थर्ड हो जाते हैं कभी कुछ नहीं होता है तो ऐसे में तो हर बार तो यार अपने फॉर्मूले बदलते जाएंगे फिर तो हमें अलग अलग फार्मूला बनाना पड़ेगा डिसोशिएट वाले के लिए अलग एसोशिएट वाले के लिए अलग जिनका कुछ नहीं हो रहा उनके लिए अलग समझ लो सबके लिए अलग अलग फॉर्मूले बनाने पड़ जाएंगे तो इस समस्या से निपटने के लिए हमने बताओ क्या किया इस समस्या से निपटने के लिए हमने क्या किया हमने एक यूनिवर्सल फार्मूला बनाया उस जो फॉर्मूले ऊपर बनाए बस उन्हीं फार्मुलों के आगे हमने एक वर्ड लगाना शुरू कर दिया आई मतलब ऊपर मैंने तुमको जितने भी फॉर्मूले बना के दिए थे ना आर के सब फॉर्मूलों के आगे एक वर्ड लगने लगा बोलो कौन वो था वर्ड आई कौन सा वर्ड आई जिसको हम लोग आगे की क्लासेस में सीखेंगे फिलहाल मैं अभी इनके बारे में बात नहीं कर रही हूँ वो वर्ड था आई इस आई वर्ड के लगने से आप लोगों की ये टेंशन ही खत्म हो गई कि अरे कब डिसोशिएट होगा कब एसोशिएट होगा कब क्या होगा ये क्या होगा वो क्या होगा खत्म अगर कोई डिसोशिएट एसोशिएट नहीं होता कुछ भी नहीं होता तो उसके लिए आई बराबर वन खत्म बात और अगर कोई एसोशिएट होता है तो उसका आई कितना है पहले वो निकाल लो अगर कोई डिसोशिएट होता है तो पहले उसका आई बराबर क्या होता है पहले आप वो निकाल लो बस और आई की वैल्यू पुट कर दो बाकी सब डेटा वैसे का वैसी ठीक है बाकी सब डेटा वैसे का वैसी तो खैर हम लोगों को समझ में आ जाता है कि कब आई की नीड पड़ रही है कब आई की नीड नहीं पड़ रही जनरली जो आयोनिक कम्पाउंड्स होते हैं जो कैटायंस और अनायंस में टूट जाते हैं उनके लिए आई की ज़रूरत पड़ती है या फिर कुछ ऐसे आप लोगों के पास कंपाउंडस होते हैं जो डाइमर या फिर ट्राइमर बना लेते हैं मतलब डबल या ट्रिपल हो जाते हैं जुड़ जुड़कर जुड़ जुड़कर -जुड़ दो तीन पार्टिकल्स उनके जुड़ जाते हैं ऐसे लोगों के लिए हमको आई की नीड होती है तो खैर वो तो हमारे बात का कंसेप्ट है जब हम लोग आई के बारे में पढ़ेंगे ठीक है वो तो हमारे बात का कंसेप्ट एक है लेकिन फिलहाल के लिए हमारे पास अगर एक ऐसा सॉल्यूट है जो ना तो डिसोशिएट होता है जो ना तो असोशिएट होता है उसके लिए आई की वैल्यू हमेशा बराबर कितनी रहेगी वन और ऊपर लिखे हुए सारे फॉर्मूले उसके लिए हमेशा क्या हैं बोलो वैलिड है उसके लिए ऊपर लिखे हुए सारे फॉर्मूले हमेशा क्या हैं वैलिड है, है. बट अगर किसी के लिए ये फॉर्मूले वैलिड नहीं है तो वो कौन है जिनके लिए एसोसिएशन हो रहा है जिनके इसमें क्या हो रहा है डिसोसिएशन हो रहा है तो हमें फॉर्मूले में आई इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा तो हमें फॉर्मूले में आई इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा और अगर मैंने फॉर्मूले में आई इंट्रोड्यूस कर दिया तो ऐसे केस में फार्मूला क्या बन जाएगा आर एल वी पी इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखते थे मोल फ्रैक्शन किसका सॉल्यूट का तो उस मोल फ्रैक्शन के आगे क्या लगाना पड़ जाएगा आई खत्म कहानी तो इसका मतलब ऐसा मत समझना कि आगे की क्लासेस में जब मैं तुम्हें आई पढ़ाऊंगी तो और बोलूंगी कि फॉर्मूले में आई लगाओ तो अरे मैडम अभी आप बदल गए आप तो पहले तो आई नहीं बोल रहे थे मैं अभी भी आई कह रही हूँ बट अभी हमने स्टार्टिंग में कैसा एक सॉल्यूट लिया है हमने एक ऐसा सॉल्यूट लेके अपने पूरे फॉर्मूले डिराइव किए हैं जो ना तो एसोशिएट होता है नो ना डिसोशिएट होता है उसके लिए आई बराबर बोलो क्या है वन लेकिन अगर कोई एसोशिएट या डिसोशिएट होने लगा फिर क्या करोगे फिर तो टेंशन आ जाएगी ना तो इसीलिए हम लोग पहले से सेफ्टी पर्पज के लिए क्या लगा देते हैं हर फॉर्मूले के आगे क्या लगा देते हैं आई यानी कि आर एल वीपीवल टू आई टाइम ऑफ सोल्यूट आर एल वीपी फ्रैक्शन ये आई आप लोगों को इंट्रोड्यूस करना है ये आई आपको इंट्रोड्यूस करना है और कहा आई इंट्रोड्यूस होगा वो भी बता दो और भी किसी जगह आई इंट्रोड्यूस होगा क्या हाँ एक जगह और लोग बस क्या करेंगे आई इंट्रोड्यूस कर देंगे जैसे इस फॉर्मूले में भी यहाँ पे हमको आई लगाना है यहाँ पे हमको आई लगाना है मैडम आपने कैपिटल एंड के आगे क्यों आई नहीं लगाया क्योंकि आई की जरूरत सॉल्यूट की वजह से पड़ रही है सॉल्वेंट की वजह से ना पड़ रही है इसी ना लगाया ठीक है इसी ना लगाया वहाँ पे डन सिमिलरली इस फॉर्मूले को अगर आप थोड़ा सा मॉडिफाई करते जैसे कि अगर यहाँ पे भी आई है यहाँ पे भी आई है ठीक है तो यहाँ पे भी आई होगा ये तो मानते हो ना यहाँ पे भी आई होगा अच्छा यहाँ पे भी अगर आई होगा तो फिर यहाँ पे भी आई होगा अगर यहाँ पे भी आई होगा तो फिर यहाँ पे भी आई होगा फिर यहाँ पे भी एक आई होगा यहाँ पे भी एक आई होगा है ना ये इस तरीके से आई 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 चलता जाए तो जहाँ भी तुम्हें मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट दिख रहा है वहाँ पे उसके आगे आई लगा दो ठीक है और जहाँ पे भी मोल्स ऑफ सोल्यूट दिख रहे हैं वहाँ पे भी तुम उसके आगे क्या लगा दो आई तो यहाँ पे भी आगे क्या लगेगा आई मल्टीप्लाई बाय मोलालिटी आई मल्टीप्लाई बाय मोलालिटी ठीक है तो यानी कि पहले मैंने तुमको सारी चीज़ें किसके टर्म्स में सिखा दी विदाउट आई फिर मैंने उन सारे फॉर्मुलज में शांति से क्या इंट्रोड्यूस कर दिया आई इंट्रोड्यूस करवा दिया क्यों करवाया है मैंने ये बस बता दिया है तुमको आई बेसिकली होता क्या है वो मैंने तुमको अभी नहीं बताया वो हम लोग चैप्टर के एंडिंग में ही पढ़ेंगे बट आई अभी से लगाने की आदत डलवा दी क्योंकि जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो खत्म होते होते कहीं तुम्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे अचानक से आई आ गया है अब ये नया फॉर्मूला है फॉर्मूला वही है बस फ़र्क इतना है कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है ठीक है मोल फ्रैक्शन ऑफ जो सॉल्यूट है हमारे अगर हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूट है जो ना कि असोशियेट होता है ना डिसोशिएट होता है तो उसके लिए आई बराबर क्या रहेगा वन ठीक है जनरली बोर्ड्स में जो क्वेश्चन आते हैं बोर्ड्स के पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आई बराबर वन ही रहता है और खैर इस साल तो जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने आ, अपना बनाया है सिलेबस न्यू बुक में उसमें तो आई का कंसेप्ट ही हटा दिया लास्ट ईयर तक था वेंट ऑफ फैक्टर तुम लोगों के बोर्ड्स के सिलेबस में बट इस साल तो वो है ही नहीं तो इसका मतलब जिनका ए महाराष्ट्र बोर्ड्स एग्जाम है उनको तो आई की टेंशन लेनी ही नहीं है उनके लिए तो हर क्वेश्चन में आई बराबर क्या रहेगा वन उनको तो अपने फॉर्मुले में आई को इंट्रोड्यूस करने की भी ज़रूरत नहीं है तो मतलब बेसिकली मैंने जहाँ से पढ़ाना स्टार्ट किया आई वो अपने कान बंद कर लें और बिना आई के ही हर क्वेश्चन को सॉल्व करें जो लोग महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड को टारगेट करते हैं क्योंकि उनके सिलेबस से इस साल से आई को हटा दिया गया है अदरवाइज पुराने बोर्ड्स के बुक के अकॉर्डिंग आई रहता था बट तुम्हें पता होना चाहिए ना कि आई होता क्या है इसीलिए पता रखो बराबर अच्छा अब कई लोगों का डाउट होता है कि हमें कैसे पता चलेगा आई बराबर कब वन है कब नहीं है तो देखो थोड़ी सी कॉमन सेंस का तो प्रयोग खैर एक इंसान को करना ही पड़ेगा जैसे कोई कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं ना लाइक शुगर ग्लूकोज इस टाइप के यूरिया जो टूटते नहीं हैं आपने आयोनिक पढ़ा है आपको ये बात अच्छे से पता है कि कई कंपाउंड्स कैटायम्स और अनयम्स में टूट जाते हैं कई नहीं टूटते तो जो नहीं टूटते हैं उ, उनके लिए आई बराबर वन होता है और जो टूट जाते हैं जैसे एन ए सी एल एम जी सी एल टू इस टाइप के आयोनिक कंपाउंड्स उनके लिए आई बराबर वन कभी नहीं होता बल्कि वन से हमेशा ज़्यादा ही होता है क्योंकि टूट के तो एक से ज़्यादा ही पार्टिकल्स बनेंगे ना अच्छा एसोसिएट कब होंगे हमें कैसे पता चलेगा तो थोड़ा सा याद रखना पड़ता है एसोसिएट वाला केस कि कौन से लोग एसोसिएट होते हैं उनके दो पार्टिकल एसोसिएट होते हैं कि उनके तीन पार्टिकल एसोसिएट होते हैं ये आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा केस ठीक है खैर इस चीज़ को अभी फिलहाल यहाँ ओवर करते हैं कल हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करेंगे दैट वुड बी एलिवेशन इन आप लोगों का बॉइलिंग पॉइंट ठीक है फ़िलहाल इसको यहाँ रोकते हैं